वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज संकल चौधरी एंड मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड्स एंड फोर। ओके, तो आज हम जानेंगे क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स किसको बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है, ये हमारे क्या मदद करते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं और सारा का सोल्यूशन पढ़ेंगे और कौन से एरिया में माइक्रो हमें हेल्प करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब कहाँ कहाँ यूज होता है, आज सारा कुछ हम पढ़ेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, लेट्स शुरू करते हैं। हम बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल हमारे सराउंडिंग में हर रोज देखते हैं, बट उनके अलावा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे बीच में एग्जिस्ट करते हैं, बट उनको हम अपने खाली आंखों में देख नहीं सकते। उनको हम कैसे देखते हैं, ना माइक्रोस्कोप की मदद से, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो देखते हैं, देर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन सी विथ नेकेड आई, बट वी कैन सी देम विथ माइक्रोस्कोप, दे आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। जिनको हम नेकेड आई में हम देख नहीं सकते, बट उनको माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड में क्या होता है, अगर रेनी सीजन में हम एक ब्रेड को खुला छोड़ दें, थोड़ा एयर टाइट में ब्रेड को हम हमेशा रखते हैं, थोड़ा उसको खुला छोड़ते हैं, मतलब थोड़ा एयर के कॉन्टेक्ट में ले आते हैं, और बाहर की ह्यूमिडिटी और एयर इन दोनों के कॉन्टेक्ट में आकर फंगाई उसके ऊपर ग्रो करता है। जो ग्रेइश व्हाइट जो प्याज तो दिख नहीं रहा है, जिसको ग्रेइश व्हाइट प्याज दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जो ग्रेइश व्हाइट प्याज दिख रहा है, इसको फंगाई ग्रो किया है। फंगाई ग्रो किया मतलब फंगाई का कॉलोनी ग्रो किया है। फंगस हमेशा कॉलोनी में ग्रो करता है और ये सब पूरा फंगस की कॉलोनी ग्रो किया है। यहाँ पर देखो, ये सब पैचेस, ये सब ग्रेइश व्हाइट पैचेस, ये सब में फंगाई की कॉलोनी ग्रो किया है। और फंगस को हम नेकेड आई में देख सकते हैं, मतलब कुछ कुछ फंगस को देख सकते हैं, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में थोड़ा हम बेहतर देख सकते हैं, बट उनको सबसे बेहतर देख सकते हैं, उनको स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, उनकी फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं, किसमें, माइक्रोस्कोप में। और फंगस की एक दूसरी बात है, फंगस हमेशा इस मॉइस्चर में रहने की पसंद करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी होगा, थोड़ा हीट आ रहा होगा, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होगा, उसी एरिया में रहने को पसंद करते हैं। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये जो तालाब वाला पानी है, कहीं पे भी थोड़ा तालाब वाला ऐसे मॉइस्चर एरिया, थोड़ा मतलब थोड़ा साइड साइड में थोड़ा ग्रास ग्रो किया होगा, थोड़ा ऐसे पानी थोड़ा गंदा क्या होगा, उसमें से थोड़ा पानी लेंगे, उस पानी को हम बीकर में लेंगे, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड में डालेंगे, उसके बाद उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद क्या पाएंगे, टाइनी पार्टिकल्स पाएंगे, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, बट जितने भी सारे टाइनी पार्टिकल्स हम देखेंगे वो सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, क्योंकि पानी में टेरपोल हो सकते हैं, टेरपोल बहुत छोटे छोटे टेरपोल लार्वा होता है, फ्रॉग का लार्वा को बोलते हैं टेरपोल, बाद में फ्रॉग बनता है, टेरपोल हो गया कि छोटा छोटा कीड़ा हो गया, मकोड़ा हो गया, तो ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में कौन आएगा, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, जो हमें माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देगा, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में फॉल करेगा। ओके, तो जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम देखने को मिलेगा उसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये हो गया माइक्रोस्कोप, ये हो गया नॉर्मल माइक्रोस्कोप, इसके ऊपर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, तीन जो नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये तीनों लेंस होता है। तीनों लेंस किस किस की टाइप का होता है, एक 10x जूम होता है, एक 40x जूम होता है और एक 100x जूम होता है। इन तीनों में हम बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, अल्की को आराम से देख सकते हैं। ये हो गया एक बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया एक बैक्टीरिया हो गया, ये एक रॉड से बैक्टीरिया हो गया, ये जो फ्लैजेला वाला बैक्टीरिया हो गया, ये एक स्पेरिकल से बैक्टीरिया हो गया, उसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और फंगस में पहले भी बोला था, फंगस क्या होता है ना, थोड़ा हमको नेकेड आई में देख सकते हैं और फंगस कॉलोनी को ग्रो होते हुए देख सकते हैं और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम कुछ कुछ देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, क्या क्या है ना, एक हो गया बैक्टीरिया हो गया, दूसरा क्या हो गया, आल्गी हो गया, दूसरा क्या हो गया, फंगस हो गया, तीसरा चौथा हो गया प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, रॉडशेप हो गया, ये वाला रॉडशेप दिया है, रॉडशेप हो गया, स्पाइरल हो गया, कोमा वाला वाइब्रियो बैक्टीरिया हो गया, स्पाइरल हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। फंगाई बहुत सारे होते हैं, ये होगा ब्रेड माउंड, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड जो ब्रेड में ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेड माउंड। इसको क्या बोलते हैं ना, पेनिसिलिन, ये हो गया ब्रेड माउंड, ब्रेड में जो ग्रो करते हैं, ये हो गया पेनिसिलिन। ओके, तो हम जाएंगे अल्गी की ओर, अल्गी में क्या हो गया, ये हो गया स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा क्या होता है, इसे लाइन बाय लाइन जो थ्रेड की तरह होते हो,
थ्रेड की तरह लाइन बाय लाइन कनेक्ट होकर कनेक्ट होकर ये हमें पूरा लाइव पिक्चर दे, डायग्रामेटिक नहीं दे। तो ये क्या होगा, लाइन बाय लाइन, जैसे लाइन बाय लाइन ऐसे 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 दो लाइन होगा, इसके बीच में सेल होगा, इसके बीच में सेल होगा, ऐसे 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 करके इसे सबके उसका है। ये हो गया, क्या हो गया, नाम स्पाइर वगैरह हो गया। ये हो गया क्या, क्लामाइडोमोनस। ये हो गया क्लामाइडोमोनस, इसके दो फ्लैजेला हो गया, इसे फ्लैजेला तो निकल गया, ये सेल बॉडी हो गया, ये उसका बॉडी हो गया, ये दोनों अलग की कैटेगरी में फॉल करते हैं। चौथा हमारा क्या होगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में वेरी कॉमन जानते होंगे एमीबा, एमीबा हो गया वेरी कॉमन, एमीबा और ये वाला प्रोटोजोआ क्या हो गया, पैरामीशियम। ये दोनों प्रोटोजोआ की कैटेगरी में फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हमारा चार मेजर ग्रुप्स का डिवाइड हो गया, और फ्यूचर में जब 12th में लोग पढ़ोगे तो बहुत सारे कैटेगरी आएगा, बट बेसिकली हम चार मेजर ग्रुप्स में उसको डिवाइड करेंगे, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। ओके, अब हम वायरस के बारे में जानेंगे। वायरस क्या होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जो पहले पढ़े, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी, इनसे बहुत डिफरेंट होता है। क्या होता है, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोड्यूस वो लोग कहां करेंगे, इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो बाहर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे बैक्टीरिया फेज हो गया, इसे मतलब सेल हो गया, ये बैक्टीरिया फेज उसका टेंटेकल्स ऐसे निकल लेगा, तो क्या मतलब ये ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका वायरस ऐसे आएगा, बैक्टीरिया फेज वायरस हो गया, वायरस आएगा उसके अंदर डीएनए दे देगा, तो उसके अंदर वो रिप्रोड्यूस करेगा, व्हिच में भी बैक्टीरियम और प्लांट और एनिमल। प्लांट बॉडी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर एनिमल बॉडी हो सकते हैं, किसी के अंदर में वायरस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट वो जो हम पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे बहुत सारे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस उसका है। तीसरा आ गया, सम ऑफ द वायरसेस कॉज डिजीज लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉफ्स आर कॉज बाय वायरसेस। कोल्ड हो गया, नॉर्मल कोल्ड हो गया, उसके बाद इन्फ्लुएंजा हो गया, थोड़ा सीवियर टाइप कोल्ड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कॉफ्स हो गया, खांसी जुकाम, ये सब वायरस के वजह से होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। और एक लिखना भूल गया, और एक क्या होता है ना, एड्स भी वायरस के, एचआईवी वायरस के द्वारा वो होता है। तो पोलियो और चिकन बॉक्स, पोलियो चिकन बॉक्स क्या है, ये हो गया चिकन बॉक्स। चिकन बॉक्स में क्या होता है, देखो पूरा ऐसे रेड 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 होकर पूरा मार्क, पूरा बॉडी में सारा कुछ हो जाता है, पूरा दर्द, बॉडी फेल करने लगता है, पूरा पूरा ऐसे कवर हो जाता है रेड रेड मार्क में, पूरा मतलब 5-10 दिन या फिर 12-13 दिन की 2 हफ्ते तो रहता ही रहता है, इसको बोलते हैं चिकन बॉक्स। पोलियो क्या होता है ना, पोलियो एक वायरस है जो अटैक करते हैं बचपन में, अगर कोई वैक्सीन नहीं लेगा होगा, अभी तो पोलियो पूरा इरेडिकेट हो चुका है, अगर नहीं पहले के जमाने में क्या होता था ना, पोलियो के लिए वैक्सीन नहीं था और इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि सब लोग पोलियो की वैक्सीन ले, इसलिए क्या होता था ना, सबको पोलियो हो जाता था। पोलियो में क्या होता है ना, जो लोअर लिम का, हमारा लोअर लिम का जो बो का स्ट्रक्चर है, बोन का, वो हमेशा ट्विस्टेड हो जाता या फिर टिल्ट हो जाता था, तो ऐसे पूरा बच्चा देखो ऐसे पूरा ऐसे कर्व हो गया, सब लोग जो क्रंचेस लेके चले, देखो ये सब पोलियो के अफेक्टेड है। तो उसके बाद में क्या हुआ ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो क्या किया ना, पोलियो के लिए वैक्सीन के लिए वो पहला कदम उठाए थे, और उनकी बदौलत सारा दुनिया में वैक्सीन की पहली बार शुरुआत की गई, और हमारे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई कैंपेन में पूरा पोलियो को ईयर 2000 तक पूरा पोलियो को देश से इरेडिकेट हो चुका है। अभी पूरा नेग्लिजिबल केसेस का ही 1 मिलियन में 1 केस होगा कि 1 मिलियन में 5-10 केस होगा, ऐसे ही होगा। और बचपन में उसका ओरल वैक्सीन पहले क्या दिया जाता था, पहले जो डेल्टेड मसल हो गया, मस्कुलर इंजेक्शन में वैक्सीन दिया जाता था, बट बाद में क्या हो गया ना, उसको मॉडिफाई करके ऐसे पूरा दे दिया गया ड्रॉपर के थ्रू। बचपन में ही 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, 5 साल तक दे सकते हैं क्या, पोलियो वैक्सीन देकर पूरा पोलियो को इरेडिकेट कर चुके हैं। तो ये हो गया पोलियो के बारे में, ये हो गया वायरस के बारे में, दो ड्रेडफुल डिजीज क्या हो गया, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। ये चिकन पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स कॉन्टेजियस होता है, वो स्किन में कॉन्टेजियस होता है, मतलब किसी मैंने टॉस कर लिया उससे मुझे चिकन पॉक्स हो जाएगा। काफी बार क्या होता है ना, बच्चे जब हॉस्टल में होते हैं, ज्यादा बच्चे जब हॉस्टल में होते हैं तो क्या होता है ना, हॉस्टल में एक बंदे को अगर चिकन पॉक्स हुआ तो उसकी रूममेट को होना तो पक्का है, तो रूममेट को हो गया, बच्चे को, सारा बच्चों को हो गया, इसलिए प्रिवेंटिव दिया जाता है कहीं कहीं, तो दर्दनाक है पूरा। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री क्या होता है ना, लूज मोशन का इफेक्ट होता है डिजीज। मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया, मलेरिया फीवर प्लाज्मोडियम से होता है, जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड क्या हो गया,
ना टाइफाइड स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इन्फेक्शन हो गया उसमें टाइफाइड होता है, टाइफाइड हो गया और क्या हो गया ट्यूबरकुलोसिस टीबी खांसी खांसी एक बीमारी है, तो ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बदौलत क्या होता है ना टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, प्रोटोजोआ के वजह से क्या होता है ना मैलेरिया एंड डिसेंट्री और वायरसेस। देखो ये हो गया बैक्टीरियोफेज, ये एक तरह के वायरस हो गया, इसको इसको हम वायरस की खासियत ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया इस अल्गी इस सबको हम माइक्रोस्कोप में नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बट जो वायरस हो गया वायरस को हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, इसको हम कैसे देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इसको पूरा 1 लाख टाइम या फिर 10 मिलियन 1 मिलियन टाइम 10 मिलियन टाइम ऐसे जूम करके देखते हैं इसको। तो ये हो गया बैक्टीरियोफेज, ये हो गया एडिनोवायरसेस, ये हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो एड्स करता है जो वायरसेस, ये हो गया ह्यूमन इम्यूनो एचआईवी वायरसेस, ये हो गया बैक्टीरियोफेज वायरस, ये हो गया एचआईवी वायरस, ये हो गया एडिनोवायरसेस। ओके तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल क्या है ना एक ही सेल को लेकर बना होगा उसको बोलते हैं सिंगल सेल, और जो बहुत सारे सेल को लेकर बना होगा उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया और सम एल्गी और प्रोटोजोआ हो गया सिंगल सेल की कैटेगरी में, और मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में क्या हो गया सम एल्गी एंड फंगाई, ये तो मल्टी सेलुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी हम जानेंगे व्हेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां पर रहते हैं, इनकी खासियत यही कि मजेदार बात है, ये खासियत है ये कहीं पर भी रह सकते हैं, दुनिया में कितना भी हार्श कंडीशन हो, कितना भी हार्श कंडीशन हो, चाहे वो पूरा आईसी पैच हो, पूरा आईसी एरिया हो, तुंद्रा टाइगर कहीं भी रह सकते हैं, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, या फिर डीप वाटर वेंट्स हो गया या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो गया जहां पर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस, डीप वाटर वेंट्स जहां पर 500 600 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर भी वो रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर में तो रहते ही रहते हैं, मॉइस्चर तो उनके उनके लिए पूरा 5 स्टार होटल है मॉइस्चर एरिया, और डेजर्ट में भी रह सकते हैं, डीप वाटर वेंट्स में रह सकते हैं और हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं और ऐसे एरिया में मतलब कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी किसी ह्यूमन किसी एनिमल या फिर किसी प्लांट की बॉडी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और बाहर भी ग्रो कर सकते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स हमें हेल्प करते हैं ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस के लिए उनको यूज किया जाता है। दे आर यूज इन द प्रिपेरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक, कर्ड हो गया दही हो गया ब्रेड हो गया और केक, ब्रेड केक कर्ड ये तीनों में यूज किया जाता है और बहुत सारे यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, अल्कोहल कहां से ना जो व्हीट हो गया गेहूं हो गया और सीरल्स हो गया उनको फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाया जाता है, तो अल्कोहल की यूज में भी बनाया जाता है और वाइन की फॉर्मेशन और बियर की फॉर्मेशन सबके फॉर्मेशन में ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी उनको यूज किया जाता है। देखो जैसे अगर कोई बीच रास्ता में जंगल में मान लो जंगल में पत्ते गिर गए पूरा पत्ते गिर गए तो पत्ते 5-10 दिन 15 दिन में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो कोई गाय हो गया कोई एनिमल अगर मर गया कोई बाहर मिट्टी में अगर मर गया तो क्या होता है जो मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके मिट्टी में ही मिला जाते हैं, आखिर में सिर्फ हड्डी बच जाएगा और हड्डी भी बहुत दिन अगर रहेगा हड्डी भी डिकम्पोज साल मतलब दिन नहीं बॉडी तो 2-3 महीने में पूरा डिकम्पोज हो जाएगा और हड्डी के लिए थोड़ा साल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो हमारा छिलका हो गया बहुत वेजिटेबल का छिलका हो गया पूरा जो छिलका कूड़ा वगैरह जो ऑर्गेनिक कूड़ा जो घर में से निकलता है या फिर मंदिर का फूल हो गया बहुत सारा जो ऑर्गेनिक कूड़ा है उनको भी माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देते हैं और ब्रेड बनाने के लिए तो यूज ही करते हैं, दही बनाने के लिए यूज करते हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, बहुत सारे वेरियस इफेक्ट करते हैं। मतलब इनके अगर ये नहीं होते तो देखो क्या होता, ये लोग पूरा बदबू फैलाते चले और ये भी बदबू फैलाता गंदगी फैलाता, दही को हम खा ही नहीं पाते ब्रेड को हम खा ही नहीं पाते बहुत सारे, इसलिए वास्ट यूज होता है माइक्रोब्स का हमारे ह्यूमन के वेलफेयर में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन के प्रिपेरेशन भी बैक्टीरिया यूज होता है और फंगाई भी यूज होता है, एंटीबायोटिक की प्रिपेयर के लिए फंगाई भी यूज किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू फर्टिलाइजर, इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज, एग्रीकल्चर में उसका यूज किया जाता है
जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वो लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन हमारा हमारे जो नाइट्रोजन हमारे जो एयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, उसको फिक्सेशन उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये क्या करते हैं, उनको फर्टिलिटी करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। जो नाइट्रोजन को रिड्यूस करके उनका बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को क्या करते हैं ना, सेरेल्स हो गया, जो छोटे छोटे पेड़ हो गया वो ग्रो करते हैं, उसके ऊपर वो ग्रो करते हैं, मतलब उनको विटामिन मिनरल्स के काम करते हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे कॉर्ड कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनता है, और बैक्टीरिया का रोल क्या क्या होता है, और कौन सा बैक्टीरिया उनमें यूज होते हैं। मेकिंग ऑफ कॉर्ड एंड ब्रेड। कॉर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्ड। लैक्टोबैसिलस एक मेन बैक्टीरिया है कॉर्ड फॉर्मेशन करने के लिए, और लैक्टोबैसिलस एक ही बैक्टीरिया नहीं, वो बहुत सारे बैक्टीरिया है, उनको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कॉर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड LAB लैब बैक्टीरिया उनको बोलते हैं। तो इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कॉर्ड, मल्टीप्लाई करता है और कन्वर्ट करता है। तो कैसे करते हैं जानेंगे। जब हम कुछ कॉर्ड कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में कॉर्ड थोड़ा दूध में डालते हैं, मिल्क में डालते हैं, उसमें क्या होता है, मिल्क में क्या होता है ना, मिल्क में बहुत सारे मिल्क प्रोटीन होते हैं, तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर हो गया लैक्टोबैसिलस हो गया, ये क्या करते हैं, मिल्क में घुस के मिल्क की जो मिल्क प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करके कॉर्ड बनाते हैं। थोड़ा इनोकुलम, थोड़ा स्टार्टर के दौरान थोड़ा सा, मतलब 1 लीटर या 2 लीटर दूध में थोड़ा सा दही डालना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉर्ड डालने के बाद वो इनोकुलम और स्टार्टर का काम करता है। वो क्या करता है ना, पूरा जो मिल्क का हो गया मिल्क प्रोटीन उनको डाइजेस्ट करके, उनको कोआगुलेट करके, सॉरी, जो पूरा जो मिल्क प्रोटीन हो गया उनको डाइजेस्ट करके बनाता है कॉर्ड। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। चीज हो गया, पिकल्स हो गया, चीज देखो ये चीज टोटल चीज करने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। चीज हो गया, स्विस चीज हो गया, परमेसन चीज हो गया, बहुत चीज, बहुत सारी चीज हो गया, सबके फॉर्मेशन में बैक्टीरिया यूज करते हैं, और कॉर्ड फॉर्मेशन में बैक्टीरिया यूज करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द रब्बा सूजी इडलीज एंड भटूराज इज कॉर्ड। भटूरा, इडली, रब्बा, साउथ इंडिया फूड हो गया, इडली हो गया, बहुत सारे ऐसे फूड को फर्मेंट करने के लिए, फूड को प्रोसेसिंग करने के लिए, बनाने के लिए हम यूज करते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। डोसा करने के लिए, इडली के लिए, डोसा, डोसा भी साउथ इंडियन का है, डोसा करने के लिए भी, डोसा के जो डो होता है जिसमें जो डोसा का जो ब्रेड बनता है डोसा का, वो फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया चाहिए। और तो हम कॉर्ड के जो फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉर्ड कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जान लिए। अभी हम जानेंगे ब्रेड कैसे फॉर्मेशन होता है, और ब्रेड को कौन फॉर्मेशन करता है ना, ईस्ट, उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसे। सैक्रोमाइसिस सर्विसे नाम का एक ईस्ट होता है, वो फॉर्मेशन करता है ब्रेड। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डो बना दिए, पहले क्या हम करेंगे, थोड़ा डो बना दे, उसके बाद थोड़ा ईस्ट पाउडर डाल दे, तो क्या होगा ना, ईस्ट पूरा रैपिडली रिप्रोड्यूस करके उसके अंदर रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड भर देगा। तो इतना सा जो बाउल था वो 2 घंटा अगर रख देंगे उसको हम, इतना बड़ा बाउल बन जाएगा, पूरा फूल जाएगा वो। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेस वॉल्यूम। बबल्स क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल वो इसके अंदर फिल कर देते हैं, इसको पूरा बड़ा बना देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। जो हम खाते हैं ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक, सब में सैक्रोमाइसिस सर्विसे नाम की ईस्ट यूज होता है। वो क्या करता है ना, वो पहले ही वो, मतलब ऐसे थोड़ा डो बनाए मेजर से या किसी भी फ्लोर से, जो नॉर्मली भी इवरग्रीन फ्लोर से थोड़ा डो बना दिए, उसके अंदर थोड़ा ईस्ट पाउडर डाल दिए, तो क्या होगा, 2-3 घंटे रखने के बाद वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसको पूरा फुला के इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, उसमें से ब्रेड बनता है। अब हम जानेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमको माइक्रोब्स का किसे हम कमर्शियली यूज करते हैं, तो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड और विनेगर। अल्कोहल की और वाइन की मैं बोला था, अंगूर जो ग्रेप्स हो गया उसको फर्मेंट करके वाइन बनाया जाता है, जो व्हीट हो गया, सीरल हो गया, उसको फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है, ये सब ईस्ट की मदद से बनाया जाता है। सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड वाइन।
for this purpose, yeast is grown in natural sugar. Natural sugar present in the grain of barley or wheat or rice and crushed fruit juices. Crushed fruit juices से क्या बनता है? इससे बनता है beer बनता है. और इससे जो wine कहाँ से बनता है? ना grape से बनता है. जो sugar, natural sugar जो present होता है, जो grain में जो natural sugar present होता है, उसके ऊपर वो yeast काम करता है. काम करके उसको ferment करता है. ferment करके क्या बनाता है? Alcohol produce करता है. उसके वजह से alcohol produce होता है. This is the smell. This is the smell of the alcohol as sugar has been converted into alcohol. Sugar converted into alcohol. किसके द्वारा? ना yeast के द्वारा. yeast के नाम क्या है? Saccharomyces cerevisiae. This process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. तो आज तो जितने beer parlor है, जितने भी winery है, जितने भी whiskey shop है, brandy है, सब में ferment करके बनाया जाते हैं. उस process को क्या बोलते हैं? Fermentation. फर्मेंटेशन करने के लिए ये तो क्या ये कॉमर्शियल यूज करते हैं. तो कॉमर्शियल क्या होता है ना, घर में अगर दही बनाते हैं हम तो छोटा सा कटोरे में दही बना देते हैं. बट ये जब कमर्शियली बनाया जाएगा तो बड़ा बड़ा पूरा चैम्बर्स होगा, स्टील के चैम्बर्स हो गया या फिर एल्यूमिनियम के चैम्बर्स हो जाएगा. उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेटर्स. क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स. तो फर्मेंटर के अंदर वो बनाया जाता है. ये हो गया साइंटिस्ट कौन हो गया? लुईस पास्टर हो गए. 1857 में ये डिस्कवर किए थे क्या? फर्मेंटेशन. इनकी मदद से आज ये पूरा इंडस्ट्री, बियर वाला, वाइन, व्हिस्की वाला, जो वाइन वाला, सारा इंडस्ट्री इनकी मदद से ही चल रहा है. ये हो गया रेड वाइन, हो गया ग्रेप से बनता है. वाइन बहुत तरह हो गया, रेड वाइन हो गया, पोर्ट वाइन हो गया, बहुत सारे वाइन होता है. तो रेड वाइन जो होता है, जो रेड कलर आता है, ये रेड कलर आता है किसकी वजह से? ना ग्रेप्स की वजह से. लाल अंगूर को, काला वाला अंगूर जो नहीं आता है, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है रेड वाइन. अब हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोब्स. मेडिसिन के फील्ड में माइक्रोब्स का क्या क्या यूज है. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics tablets or capsules or injections such as penicillin. Penicillin क्या है? ना एक फंगाई है जो एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है. मैं पहले ही बताया था. Whenever you fall ill, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हम क्या करते हैं? ना एंटीबायोटिक्स देखते हैं. जो एंटीबायोटिक्स हो उसके भी एक रेस्ट्रिक्शन है. एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया और फंगाई और कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए काम करेगा, पर वायरस के लिए एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करेगा. वायरस अपने आप ही, वायरस की जो कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, वो अपने आप ही ठीक होगा. एंटीबायोटिक का असर उन पर पड़ता ही नहीं. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस मेडिसिन किल स्टॉप और ग्रोथ. दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स. एंटी मतलब क्या है? ना अगेंस्ट. बायोटिक्स मतलब क्या है? ना बायो, लाइफ. लाइफ के अगेंस्ट मतलब हमारे नहीं, जो बैक्टीरिया के जो लाइफ होता है, बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट जो काम करता है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. वो क्या करता है? ना आइदर किल करते हैं, आइदर मार देता है, या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज. डिजीज की ग्रोथ को स्लो, प्रोसेस स्लो कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है. दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई. बैक्टीरिया से भी बनता है और फंगाई से बनता है. क्या क्या? ना स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used for cure various of diseases. Specific मतलब penicillin हो गया. Specific disease के लिए एक specific तरह के antibiotics बनाए जाते हैं. और they are also used in control of many plant diseases. Animal disease को prevent करने के साथ, मतलब human की और animal की disease को prevent करने के साथ साथ वो बहुत सारे plant के disease को भी prevent करता है. ये हो गया animal. Animal की disease का example क्या हो गया? ना जो पोलिट्री फार्म हो गया या फिर डायरी फार्म हो गया, कुछ अगर कोई एनिमल को कुछ होता है तो क्या करते हैं? ना उनको इंजर्ट करते हैं या फिर खाने में डाल देते हैं एंटीबायोटिक्स. ये हो गया पोलिट्री फार्म. टोटल हो गया क्या? जो फनल हो गया, इसमें पानी खाना सब दिया जाता है, इसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप करके डाल दिया एंटीबायोटिक्स. और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं, ड्रॉपर के फॉर्म में आते हैं, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं. ये हो गया प्लांट में. एनिमल भी हो गया और ये हो गया प्लांट में. प्लांट में क्या करते हैं? पूरा स्प्रे करते हैं एंटीबायोटिक्स. प्लांट में स्प्रे करते हैं और कहीं कहीं जगह रूट में भी देते हैं. रूट में भी एंटीबायोटिक्स स्प्रे करते हैं. एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी भी ना एक उसमें एक मजेदार किस्सा है. वो क्या कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे. वो क्या कर रहे थे? ना एक कल्चर प्लेट में ग्रो कर रहे थे एक ऑर्गेनिज्म. तो उसमें क्या था? थोड़ा पेनिसिलिन था. जो पेनिसिलिन, जिस कल्चर प्लेट में पेनिसिलिन था, उस कल्चर प्लेट के चारों ओर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता था. वो लोग पूरा मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरा देख के पागल हो गया. क्या मतलब आज तक कोई देखा नहीं था. उसके पेंसिलिन जहां पर है,
पेंसिलिन जहां पर है उस कल्चर प्लेट में कोई ग्रो नहीं कर पा रहा, बाकी सारे कल्चर प्लेट में ग्रो कर रहा है, इसीलिए एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था पेंसिलिन नाम के एंटीबायोटिक का, वो पहला एंटीबायोटिक था। उसके बाद बहुत सारे वेरियस एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुए जो बहुत सारे फंगाई से बनाया जाता है, बैक्टीरिया से बनाया जाता है और ह्यूमन वेलफेयर में काम आता है। और एंटीबायोटिक्स की इंटेक में भी बहुत सारे लिमिटेशन है, ऐसे मतलब उठा के हम 5-7 एंटीबायोटिक्स ऐसे खा नहीं सकते कैप्सूल, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या होता है ना, जो जिसके लिए हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अगर हमको कोई डिजीज है, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे अंदर कोई डेडली माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, पर जो एंटीबायोटिक हम इंटेक कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे हमारे अंदर जो हेल्दी माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो हमें हेल्पफुल करते हैं उनको भी असर पड़ते हैं। तो पूरे डॉक्टर के हिसाब से ही खाना चाहिए, एक या दो या जो भी वो प्रेस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से खाना चाहिए। अगर हम ज्यादा खा लिए तो पिछली बार क्या होगा, जो डिजीज फिर से आएगा, अगर कोई डिजीज फिर से आया तो हमें ज्यादा एंटीबॉडी मांगेगा। तुम लोग जानते होंगे माइकल जैक्सन क्या था, एक आर्टिस्ट और डांसर और एक सिंगर थे, वो मतलब बिगेस्ट स्टार थे, मतलब बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड कह सकते हैं उनको। उनका क्या हुआ, 52 ईयर में उनका देहांत हो गया। कैसे हो गया ना, उनका जो ऑटोप्सी किया गया, उनकी बॉडी के जो ऑटोप्सी हो गया, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वो खा चुके थे, मतलब इतना एंटीबायोटिक खा चुके थे जिसकी वजह से कि और बॉडी का उनका सारा कुछ, मतलब पूरा बॉडी सुन हो गया था, मसल कुछ नहीं था, पूरा बॉडी क्षीण हो गया था, इसकी वजह से उनका देहांत हो गया, इसलिए बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक जब भी लेना पूरा डॉक्टर की काउंसिल की मदद से ही लेना। माइक्रोब्स इन मेडिसिनल यूज, माइक्रोब्स इन मेडिसिनल यूज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बाकी जो वैक्सीन के और बाकी सारे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम देखेंगे।